अक्सर मैं सोचता हूँ कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना नकारात्मक क्यों कहा जाता है, और जब मैं गहरे उतरता हूँ तो ये भी सोचता हूँ आखिर क्या जरूरी चीजें हैं जो स्कूल और कॉलेज सिखाते ही नहीं, या कह लें कि चुनिंदा स्कूल और कॉलेज सिखाते हैं, बाकी अधिकांश जगह ये चीजें गायब है। तो यदि कुछ बातों को यूं ही रेंडमली गिनूं कि क्या चीजें स्कूल नहीं सिखाती, तो स्कूल ये तो सिखाती है कि बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें, चाचा से कैसे बात करें, काका बाबा से कैसे बात करें। स्कूलें ये नहीं सिखाती खुद से कैसे बात करें, और खुद से जब इंसान बात नहीं करता तो वो हमेशा एक्सटर्नल दुनिया में व्यस्त रहता है। वो पॉलिटिक्स की बात करेगा, करप्शन की बात करेगा, क्रिकेट की बात करेगा, सिनेमा की बात करेगा, वो कभी अपने दिल से नहीं पूछेगा मेरे दिल तुझे क्या चाहिए। तो शायद स्कूलों को बच्चों को खुद से बात करना सिखाना चाहिए। स्कूलें और क्या नहीं सिखाती? स्कूलें बच्चों को खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ऐसे नहीं लिखवाती। यदि स्कूल के बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक कि कॉलेज में जाकर भी खुद का सॉर्ट कर लें, दिक्कत की बात यह है उनको कॉलेज में भी दूसरों का सॉर्ट करना सिखाया जाता है, इंडस्ट्रीज का सॉर्ट करना सिखाया जाता है, अपना सॉर्ट करना नहीं सिखाया जाता। यदि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बच्चे पहले ही सीख ले तो बाद में बहुत सारी गलत राह पे वो नहीं चलेंगे, बहुत सारे गलत करियर वो नहीं चुनेंगे। तो शायद मैं ये कहूंगा कि स्कूलों को बच्चों को स्वॉट कराना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल भी मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। मनी को कैसे प्लान करें, मनी कैसे खर्च करें, प्लानिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा स्कूल से गायब है। जबकि बाद की रियल जिंदगी में हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप पैसे कमाएं। एक इंडियन बच्चा कभी भी स्कूल में आपको कोई बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। यहां तक कि अभी अभी स्टार्टअप आ गए हैं, इनकी बात छोड़ दें तो 99% कॉलेज के बच्चे भी कॉलेज पास आउट होते तक एक बिजनेस करते नजर नहीं आएंगे। वहीं आप किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, वहां पर एक बच्चा कॉलेज पास आउट होने के पहले कम से कम 2-3 छोटे बड़े बिजनेसेस कर चुका होता है। आप किसी भी पुराने लोगों की सक्सेस स्टोरीज उठा के देख लीजिए जो आज अरबपति और खरबपति हैं, इनमें से अधिकांश लोगों को आप पाएंगे कि इन्होंने बचपन से ही कोई ना कोई व्यवसाय, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था और इनकी बिजनेस बुद्धि उसी तरीके से डेवलप हो चुकी थी। तो शायद स्कूल और कॉलेजेस को मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। और क्या नहीं सिखाते स्कूल और कॉलेज? स्कूल और कॉलेज कंपैशन नहीं सिखाते। वो बड़ी बड़ी बात तो करते हैं लेकिन एक स्कूल क्यों बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं देता कि वो जाएं और एक बस्ती में कुछ दिन सर्व करें, वो जाएं और कुछ रोगियों की अस्पताल में सेवा करें। बड़ी बड़ी बातें सिखाने की जगह यदि बच्चों को साल में 10 दिन की सोशल सर्विस कंपलसरी कर दी जाए तो बाद में हमको उनको दया और सहिष्णुता सिखानी नहीं पड़ेगी, बाद में हमको उनको द जॉय ऑफ गिविंग सिखाना नहीं पड़ेगा। बच्चे पहले से अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। अगली चीज, हमारी स्कूलों में जितने भी आर्ट और क्राफ्ट के कॉम्पिटिशन होते हैं अक्सर वो सब माओं के कॉम्पिटिशन होते हैं। नाम तो बच्चों का होता है लेकिन माएँ घर से बना बना के ले जाती है और उसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज पैदा हो जाती है और जो माँ जितना पैसा खर्चा कर सकती है उतना अच्छा आर्ट या क्राफ्ट का वर्क ले जाकर वो स्कूल में सबमिट करती है और उस बेसिस पे बच्चे को प्राइज मिलता है। यहाँ तक कि वो पार्ट्स को तैयार करके दे देती है और बच्चों को सिखाती है स्कूल ले जाके बस चिपका देना। क्या सीखा बच्चों ने इसमें? इसकी जगह यदि स्कूल के एक रूम में कचरे पटक दिया जाए, 50 किस्म की प्लास्टिक, लकड़ियां, कागज, पत्थर, जो कुछ सब कुछ वेस्ट पटक दिया जाए और बच्चों की छोटी छोटी टीम बनाकर उनको कह दिया जाए इस वेस्ट से कुछ उपयोगी बनाओ, एक दिन 2 दिन के लिए उनको उस कमरे में छोड़ दिया जाए, वो जो बना के निकलेंगे क्रांतिकारी बना के निकलेंगे, वो जो बना के निकलेंगे उनको गर्व होगा कि हमने किया है। आज वो जो सबमिट करते हैं पैसे की और जेब की जोर पे करते हैं, जिसमें कमजोर बच्चे का प्रेजेंटेशन कमजोर रह जाता है और मजबूत आर्थिक स्थिति वाले का प्रेजेंटेशन मजबूत रह जाता है। माफ कीजिए, यदि कुछ स्कूलें ऐसा करती है तो मैं आपको सलाम करता हूं, लेकिन मैं यहां इंडिया के उन स्कूल्स की बात कर रहा हूं जो ऐसा नहीं करते। कभी कभी मुझे लगता है स्कूल भेजना ही क्यों, जब वहां से रट्टू तोता बनाकर बाहर निकाला जाता है, जहां पे एक एक नंबर का कंपटीशन होता है। सबसे बड़ी चीज
जो स्कूलें नहीं सिखाती, यदि आप टीचर हैं, यदि आप पेरेंट हैं, यदि आप किसी भी रूप में एजुकेशन से जुड़े हैं, तो प्लीज मेरी बात स्कूल तक जरूर पहुंचाएं, ताकि स्कूलें बच्चों को फोटोकॉपी बनाने की जगह ओरिजिनल बनाने में बिलीव करें। सबसे बड़ी चीज जो स्कूल नहीं सिखाती, वो असफल होना नहीं सिखाती। स्कूल में एक नंबर भी कम आने पे, एक कंपटीशन भी हार जाने पे, एक ड्राइंग भी ठीक से ना करने पे बहुत डांट पड़ती है, प्रयोग के लिए कोई जगह नहीं होती। यदि टीचर ने जो आंसर सिखाया वो सेम आंसर नहीं लिखा गया, तो टीचर क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि ये कहां से पढ़ के आए हो, या कौन सी ट्यूशन का ये मटेरियल है। वो बच्चों के इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग पे जोर नहीं देती। जबकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन स्कूल्स में, इंडिया में जो अभी अभी प्रवेश किया आईबी करिकुलम में, यदि आपने नकल मार दी, यदि आपने बुक में छपा हुआ लिख दिया, तो उसके इतने सख्त नियम हैं कि आपको एग्जाम से डिवार कर दिया जाता है। और हमारी स्कूलों की स्थिति यह है कि यदि टीचर ने जो बताया आपने उसके विपरीत अपने दिमाग और अपनी कल्पना शक्ति से कुछ लिख दिया, तो टीचर भरी क्लास में आपकी धुलाई कर सकता है। प्लीज मैं स्कूल से अर्ज करता हूँ, असफल होना सिखाइए। जो आज असफल होगा वो कल सफल होगा, लेकिन जो असफलता से डरने लग जाएगा, विश्वास कीजिए वो प्रयास करने से डरने लग जाएगा। और यदि आप स्कूलों में खाली सफलता को सलाम कर रहे हैं, असफलता को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी आज आपके सामने खड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्कूली जीवन में नितांत असफल व्यक्ति था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, असफलता का सम्मान अपनी स्कूलों में करना शुरू करिए, और प्रयास को भी रिवॉर्ड करना शुरू करिए, क्योंकि जो प्रयास करता है वही जीतता है। मेरे इस वीडियो से कोई टीचर, कोई स्कूल प्रबंधन आहत हुए हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन भारत औसत लोगों का देश होते चला जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण हमारे स्कूलों का एवरेज एजुकेशन सिस्टम है। एक पेरेंट को अब आवाज उठानी होगी, एक स्कूल टीचर को अब आवाज उठानी होगी, अब हर किसी को आवाज उठाना होगा, ताकि भारत भी रिसर्च ओरिएंटेड और इनोवेशन ओरिएंटेड देश बन सके, जहां पर बच्चों की कल्पना शक्ति को सम्मान मिले और असफलता को आदर मिले। ढेर सारे सिनेमा के, फैशन के, कॉमेडी के और पॉलिटिक्स के वीडियोस आप देखते हैं, यदि अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो एक बार उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाएं और पेरेंटिंग और एजुकेशन से जुड़े जितने भी ऐसे वीडियोस हैं पूरे देखें, ताकि आपके पालन पोषण का तरीका बदल सके और आप एक शानदार माता पिता बन सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।